नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टॉक का चुनाव किया हुआ है। दोस्तों, कंपनी 2018 में लिस्ट हुई, उसके बाद से ताबड़तोड़ यहां पर रिटर्न देखने को मिले हैं। कभी भी अपने निवेशकों को निराश नहीं किया। अगर मैं बात करूँ रिसेंट में, आप देखेंगे तो 5 जुलाई को आप देखेंगे तो 2833.80 रुपये का हाई लगा। उसके बाद से आप देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। दोस्तों, आप देखेंगे तो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में 1672 रुपये का यहाँ पे लो लगता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद से वापस स्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक आया, लगभग 9% की तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। अभी 1855.60 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम आपको कंपनी का नाम बताना चाहेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, काफ़ी अच्छा फंडामेंटल यहाँ पे देखने को मिलता है। कभी भी अपने निवेशकों को निराश नहीं किया है। सारी चीज़ों को जाने उसके पहले डिस्क्रिप्शन में सैमको और आईफल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सअप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों, आप सभी को विदित है, हर दिन हम आप लोगों के लिए नए नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव करते हैं। शॉर्ट वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं, जो कि आने वाले दिनों में एक बेहतरीन तेज़ी देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, उसी क्रम में आज हमने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का चुनाव किया हुआ है। कंपनी के बारे में सूक्ष्म जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, टेक्निकल पैरामीटर्स को जानेंगे, फंडामेंटल को जानेंगे, चार्ट पे भी लेके चलेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अगर ना पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो आप देखेंगे जून क्वार्टर में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो बेहतरीन जंप, ताबड़तोड़ जंप देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जब किसी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आए तो समझ लेना एक अपॉर्चुनिटी बनती है बाइंग करने के लिए। दोस्तों, एज ए स्विंग ट्रेड अगर कोई स्टॉक इसी स्टॉक के अंदर बाइंग करता है तो यहाँ पे 2100 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों किस लेवल पे बाइंग करना सही रहेगा, इसको हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कंपनी के बारे में सूक्ष्म जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड भारत में रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक प्रमुख जहाज निर्माण कंपनी है, जो मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की जहाज निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करती है। गार्डन रीच शिपयार्ड एक विविध लाभ कमाने वाला और देश का पहला शिपयार्ड है, जो युद्धपोतों का निर्यात करता है और भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल को 100 युद्धपोत प्रदान करता है। दोस्तों, अगर हम इसके खंड की बात करें तो कंपनी 3 खंड के तहत कार्य करती है, जहाज निर्माण खंड, इंजीनियरिंग डिवीजन और डीजल इंजन सेगमेंट। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो जहाज निर्माण खंड से 89% का, इंजीनियरिंग डिवीजन से 1% का, डीजल इंजन सेगमेंट से देखेंगे तो 3% का राजस्व अर्जित होता है। अगर हम इनके विनिर्माण क्षमताओं की बात करें तो कंपनी के पास एक साथ 20 युद्धपोत बनाने की सिद्ध क्षमता है। इसमें 8 बड़े युद्धपोत और 12 छोटे या मध्यम आकार के युद्धपोत शामिल हैं। इनके पास 5 टन की नावों से लेकर के 24,600 टन के बेड़े के टैंकरों तक जहाज़ों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने की सिद्ध क्षमता भी देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर हम इनके निर्यात की बात करें तो इसका एक फोकस क्षेत्र रहा है। कंपनी ने मॉरिशस, सेशल्स को रक्षा प्लेटफार्म वितरित किए हैं। कंपनी को हमारे महासागरीय तट के लिए रक्षा ऋण के माध्यम से बांग्लादेश सरकार के लिए फिर से L1 घोषित किया गया है। प्रत्येक ऑर्डर का मूल्य 150 से 200 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। कंपनी के जर्मनी और कई स्कैंडिंग BI देशों में ग्राहक भी देखने को मिलते हैं। अगर हम फोकस की बात करें तो कंपनी 2 वर्षों के लिए 25% के CAGR से वृद्धि का लक्ष्य रख रही है। अगर देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अब बारी आती है इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को जानने की। तो सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जान लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट रेसिस्टेंस की बात करूं 1785.85 का है, सेकंड रेसिस्टेंस की बात करें 1870.75 का है, थर्ड रेसिस्टेंस की बात करें 1928.55 का देखने को मिल रहा है। अगर सपोर्ट के ऊपर डालेंगे, अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं 1643.15 का है, सेकंड सपोर्ट की बात करें 1585.35 का है, थर्ड सपोर्ट की बात करें 1500.45 का देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 50 डेज़ के जो सिंपल मूविंग एवरेज हैं वो यहाँ पे बेरिश हैं, पर 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 100 डेज, 200 डेज के जो सिंपल मूविंग एवरेज हैं वो यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
अब एक नज़र कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर डालेंगे तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन जान लेते हैं। 21,304 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो 5.00 का है। डिविडेंड यील्ड 0.50% का है। बुक वैल्यू की बात करें 146.09 का है। फेस वैल्यू 10 का है। प्राइस बुक रेशियो की बात करें 12.73 का है। आरओसी की बात करें 13.99% का है। आरओई की बात करें 21.35% का देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। अब एक नज़र इन्वेस्टमेंट रिटर्न के ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी 2018 में लिस्ट हुई, कभी भी अपने निवेशकों को निराश नहीं किया, बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे दिया है। वन वीक में आप देखेंगे तो 4.5% का तेजी देखने को मिली है। एक महीनों में 4.5%, 3 महीनों की बात करें तो लगभग 5%, 6 महीनों में 147% का जबरदस्त रिटर्न, 9 महीनों में 130%, बीते एक सालों में देखेंगे तो 120%, 2 सालों में 433%, 3 सालों में 875%, 4 सालों में 963%, बीते 5 सालों में देखेंगे तो 1112% का जबरदस्त रिटर्न गार्डन रीच ने अपने निवेशकों को दिया हुआ है। अब एक नज़र कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऊपर डालेंगे तो सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग जान लेते हैं। 74.50% की होल्डिंग प्रमोटर की है। DII की बात करें 3.21% की होल्डिंग है। FII की बात करें 3.91% की होल्डिंग है। पब्लिक इन्वेस्टर के पास देखेंगे तो 18.38% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम आपको सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मेरी वेबसाइट भी है www.bigmoneyreward.com, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने डेली फ्रेम का चार्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हुआ है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं इस लेवल के हाई की बात करूँ तो 1522.45 का हाई हुआ करता था। उसके बाद से आप देखेंगे तो एक शार्प गिरावट देखने को मिली। आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको रेसिस्टेंट फेस किया, फाइनली जैसे इसको ब्रेक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे तो शानदार तेजी। 5 जुलाई 2024 को स्टॉक ने 2833.80 का हाई लगाया। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। जून क्वार्टर इसका जो रहा है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी बेहतरीन रहा है, तो ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास पहले से स्टॉक आपके पास होल्ड है तो आप 1500 के स्टॉप लॉस के साथ बिंदास बने रह सकते हैं। अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोचते हैं दोस्तों, अगर मैं यहाँ के हाई की बात करूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1994.95 का हाई है। तो 2000 रुपये के ऊपर जाए तो आप इसमें फ्रेश बाइंग के बारे में सोच सकते हैं लंबी अवधि के लिए दोस्तों। लेकिन अगर आप यहीं पे एज ए स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो 2000 तक के टारगेट आपको एज ए स्विंग ट्रेड गार्डन रीच के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लंबी अवधि के लिए अगर आप जाते हैं तो दोस्तों, अगर ये स्टॉक 2000 के ऊपर सस्टेन करे फिर आपको वापस से 2800, 3200, 3500 तक के टारगेट आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है दोस्तों। अब मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलूँगा तो सारी चीज़ें आपको और क्लियर समझ में आ जाएंगी।